ऑलराइट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। आपको सबको रमजान मुबारक। और आज हम जो लेक्चर कर रहे हैं वो 9th लेक्चर है, एचटीएमएल बेसिक का पार्ट 2 है। बेसिकली इसमें लिस्ट को कोई कुछ पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, लिस्ट में क्या कुछ ऐड होता है, और टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे जो बेसिक हैं, जो असाइनमेंट से रिलेटेड हैं, सिर्फ उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक मैं ये लिंक दे रहा हूँ, अगर किसी ने इसको ज्वाइन करना हो, लाइव कॉल में शामिल होना हो, तो ये लिंक पे क्लिक करके आ सकता है, ठीक है जी। ये लिंक है जी। ये लिंक है जी, ठीक है जी। इसमें अब स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ वीडियोस को शेयर कर लें ताकि जो न्यू हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ऐड कर सकें। वीडियो शेयर करते हैं, बात करते हैं। बेसिकली इसमें हम जो करने लगे हैं वो ये है कि लिस्ट ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। लिस्ट आइटम क्या होती है, लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया। तो टेबल में क्या क्या चीज़ यूज होती है, टेबल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लाइव कॉल में अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है। शेयर करेंगे। ऑल राइट जी, अब आते हैं हमारे जी लेक्चर की तरफ। ये कुछ समरी बना के रखी हुई है, हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारा जो है क्या कहते हैं डिस्प्ले, जो हमने पिछले यूज़ किया था वो क्या था, ठीक है। करेंगे ओके जी, ठीक है। ये हमारा व्यू था, इसमें अब हम कुछ लिस्ट लगाएंगे, लिस्ट किस तरह काम करती हैं, और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, और टेबल छोटा सा बनाएंगे। अगर किसी ने कमेंट करना हो तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये क्या है जी, एज अ वीडियो में शेयर क्लिक टू कंट्रोल शेयरिंग। ऑलराइट, राइट राइट।
लिस्ट बनाते हैं छोटी सी। लिखने का तरीका सिंपल है, शुरू किया यूएल एंड यूएल खत्म। ठीक है, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसको आएगा वो आएगा एल आई लिस्ट आइटम। यहां पर लिख भी देता हूं लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में जो भी लिखेंगे वो हमारी लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर दिस इज लिस्ट आइटम, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ये आ गया, ऊपर कमेंट्स की शक्ल में आना चाहिए था लेकिन नहीं, ये कमेंट्स के और तरीके से होते हैं। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई, राइट। लिस्ट आइटम इस तरह दो तीन और बना लेते हैं, उसका डिफरेंस फिर निकालेंगे कि डिफरेंस किस तरह आता है। लिस्ट आइटम वन एंड लिस्ट आइटम टू थ्री। ऑलराइट, रिफ्रेश किया, ओके, ये हमारा हो गया लिस्ट आइटम अनऑर्डर्ड स्केल में। इसको अब करते हैं ऑर्डर्ड में, लिस्ट ओ फॉर ऑर्डर्ड, बाकी सारा कुछ सेम है। इसको सेव करेंगे तो इसमें फर्क देखिएगा कि आपका क्या आता है। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, दोनों में फर्क देखें। अनऑर्डर्ड में सर्कल लगे हुए हैं, डॉट लगे हुए हैं, और ऑर्डर्ड ये है वो 3, 4, 5 वहां तक। अनऑर्डर्ड में कुछ कैटेगरीज हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह के लिखते हैं कि टाइप, टाइप हम कहते हैं कि जी सर्कल, तो ऑलरेडी ये सर्कल में है तो ये सर्कल शो होगा, सर्कल ब्लैंक सर्कल, जिस तरह ये अब शो हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। में जो बेसिक यूज स्टार्ट के हमने जो नंबरिंग दी है 1, 2, 3 नंबरिंग यहाँ पर स्टार्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट का नंबर लिख देते हैं, लेकिन लेस्ट है कि हम 25 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेव किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो ये 25 से स्टार्ट हो गया। आई थिंक आप लोगों को साथ में दूसरी विंडो नहीं नजर आ रही, तो मैं दूसरी विंडो उसमें अपडेट कर देता हूँ। ओके, इसके साथ मैं कोडिंग वाली शो करता हूँ, जहाँ आपको हो रहा होगा साथ में आपको रिफ्रेश करके दूसरा भी दिखाता रहूंगा। यहाँ पे दिखाते हैं आपको सब लाइन कि सब लाइन में ये कोड किस तरह बना है, आपको ये किस तरह नजर आना चाहिए। ये जनाबी वाला हमारा जो हमने अभी बनाया है सर्कल, सर्कल का टाइप लगाया है वो किस तरह लगाया है, और मैं हाइड कर दूं एक दफा। अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह लिखेंगे। ठीक है, पहले आपको व्यू जो फायरफॉक्स में दिखाया
और ये अनऑर्डर्ड है। यहाँ पर सर्कल सर्कल मतलब ब्लैंक सर्कल है, ठीक है, डॉट नहीं है, ब्लैक सर्कल है। और ऑर्डर लिस्ट जो है ये शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है, मतलब 25। अगर मैं इसको 30 से स्टार्ट करता हूँ, ये 30, 40, 30, 31, 32 इस तरह करके जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसका वो दूसरा भी दिखा देता हूँ कि अभी आया किस तरह है। फायरफॉक्स में हैं, वहाँ पर रहते हैं फायरफॉक्स। इसको करते हैं न्यू में, स्क्रीन की शेप, स्क्रीन की कौन सी, फायरफॉक्स, ठीक है। ये आपके सामने फायरफॉक्स की विंडो ओपन हो गई है। ये सर्कल है, ये अनऑर्डर्ड है और ये ऑर्डर्ड है, ये 32 अप टू स्टार्ट, ठीक है। अब हम इसके बनाते हैं एक टेबल बनाते हैं, सिंपल टेबल बनाते हैं। और टेबल बना के हम आते हैं इधर, शेयर करता हूँ मैं उसको। टेबल किस तरह बनाते हैं, अभी स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। दिस इज गुड, जी आ गया जी। टेबल स्टार्ट करते हैं, टैग शुरू करना है, टेबल शुरू करना था और उसको बंद भी करना है। टी आर मतलब टेबल रो, ठीक है। अगर रो आपने दिखानी है, लेट से कि आपने एक रो दिखानी है, चले मैं इसको करके दिखाता हूँ फिर समझ आएगा। अच्छा, रो है, रो के अंदर पहले मैं एक दो बना लूँ आपको सबको, फिर मैं बताता हूँ। ये है हेडिंग 1, हेडिंग 1 उसे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसको सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। आगे लिखते हैं जी मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक रो कंप्लीट हो गई, अगली दूसरी रो जो आएगी ये आएगी ये वाली। अच्छा, यहाँ पर नोट करें कि मैंने यहाँ पर लिखा था TH, टेबल हेडिंग, ठीक है, टेबल हेडिंग लिखी थी। और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कोई चीज़ की, वो आएगी। सब्जेक्ट में लिखता हूँ मैथ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स लिख देता हूँ 75, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक रो कंप्लीट होगी, आगे हम दूसरी रो पर आएंगे। यहाँ पर टी डी में लिखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश के नीचे नंबर लिखते हैं, कम ही आते हैं तो 50 लिख लेते हैं, सेव कर दी, ठीक है। अभी तक आपको यहाँ को कोडिंग हो रही होगी, मैं अब इसका व्यू दिखाता हूँ कि व्यू कैसा आया। लेट्स शेयर व्यू, व्यू शेयर करते हैं जी, व्यू करते हैं। रिफ्रेश नहीं किया मैंने, अभी रिफ्रेश करते हैं इसको, ये आ गया, हमारा टेबल बन गया। अच्छा, इसका बॉर्डर नहीं नजर आ रहा लेकिन है टेबल। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर लगाने के लिए क्या करें, दोबारा स्क्रीन पर जाते हैं हम, दोबारा स्क्रीन पर जाते हैं कि बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे। बॉर्डर लगाने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर टेबल के अंदर आना है, यहाँ पर लिखना है बॉर्डर,
और यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी ले देते हैं, जितना बॉर्डर साइज रखना चाह रहे हैं वो कर लें। शेयर स्क्रीन शेयर, ये हो गया जी बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर लग गया। तो जो हमने टी रॉ लिखा था, टी रॉ लिखा था वो यहाँ पर सब्जेक्ट्स, ये एक रॉ है मैथ एंड 75, ये एक रॉ है इंग्लिश और 50, ये एक रॉ है। जो टी आर हमने लिखी थी वो बेसिकली इस पूरे एरिया को कवर कर रही थी। जो टी एच था या टी डी था, टी एच जो है वो हेडिंग है हमारी, टेबल हेडिंग, सिंपल है, टेबल हेडिंग है। तो ये हमारी टेबल हेडिंग आ गई। अब टेबल डिस्क्रिप्शन है तो ये टेबल डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि ये जो मैथ है ये अलग डिस्क्रिप्शन है, ये अलग डिस्क्रिप्शन है, ये अलग डिस्क्रिप्शन है, ये अलग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बेसिक सा टेबल है, इसमें कोई खास इतना है नहीं। लेकिन अच्छा, अभी हमें ये करना है कि इस टेबल का नाम कुछ रखना है, तो नाम किस तरह लगता है, मैं आते हैं दोबारा आपको लेकर आता हूँ अपने दूसरे में। शेयर अच्छा, नाम किस तरह रखना है, वो आएगा कॉप्शन के नाम, कॉप्शन आएगा, ठीक है, कि टेबल कॉप्शन किस तरह आएगा। सिंपली सिंपली यहाँ पर टेबल, यहाँ पर शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट उसके ऊपर, एग्जैक्ट उसके ऊपर कॉप्शन का एक टैग आएगा और यहाँ लिखेंगे दिस इज द मेन डेटा टेबल, कुछ भी मतलब ये हमारा जो है उस टेबल की हेडिंग, बेसिकली ये टेबल की हेडिंग कंसीडर होगी और ये टेबल को क्या होता है, दूसरी स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर हमने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारा इसका आ गया। अच्छा, सोचने वाली बात ये होगी कि ये दोनों फॉन्ट सेम है तो हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद का जब आप सी एस एस इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपकी जो हेडिंग है टी एच उसको आपने डिफरेंट डिजाइन करना है और आपने जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिफरेंट डिजाइन करना है और जनाब वाले जो हेडिंग है उसको डिफरेंट डिजाइन करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक हमने पहले सेट की हुई है चीज, हमने नहीं की हुई, इन्होंने करनी थी, उन्होंने की हुई है, ठीक है जी। तो बेसिक सा ये था, अभी देख लेते हैं कि हमारे पास उस लेक्चर में और क्या कुछ है। लेट्स सी के लेक्चर में 9th में और क्या है। विड्थ है, हाइट है, अलाइनमेंट है, टेबल अलाइनमेंट है, चलें वो उसकी डिटेल वीडियो अलग से देंगे, लेकिन बेसिक जो आपको यहाँ पर समझने आने वाली बात है, आनी चाहिए, जिसको समझ आनी चाहिए, वो यह है कि लिखते एक्चुअल में किस तरह का है, ठीक है। ये आ गया कि हमने जो है सिंटैक्स किस तरह बनाना है, बेसिक एचटीएमएल का सिंटैक्स किस तरह बनाना है। यहां तक हमने पहले कर लिया हुआ था, यहां तक, यहाँ पर हमारी गलती हो गई है, बॉडी यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, बॉडी एंड यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट है, और इसके नीचे आ गया है कॉप्शन, कॉप्शन के आगे आ गया टेबल, टेबल का बॉर्डर दे दिया है, टी एच मतलब टेबल हेडिंग है और टी डी मतलब टेबल डिस्क्रिप्शन है, सिंपल है, इसमें कोई चीज नहीं। अगर किसी को समझ ना आई हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। लाइव सेशन जो है डेली करेंगे, तो पेज को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन अपना ऑन रखें, मैक्सिमम जो लाइक करेंगे तो बेहतर रहेगा, कि कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है तो कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, आपस में डिस्कशन भी हो जाएगी। और ये लाइव करेंगे इसी दिन करेंगे,
डेली करेंगे, इसी दिन के ऊपर ना डेली करेंगे। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।